तो भैया काफी दिनों से मेरे पिछवाड़े पे डंडा किया जा रहा था कि मार्वल का सीक्रेट वॉर्स के बाद जो एक सॉफ्ट रिबूट होना है उसे लेकर वीडियो बनाओ, आने वाला फेज कैसा होगा, नए सुपर हीरोज कैसे होंगे, कौन से हीरोज आगे कंटिन्यू करेंगे सीक्रेट वॉर्स के बाद, कौन से नए हीरोज आएंगे। लेकिन टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च की एंड दिमाग लगाने की जरूरत थी, तो वो मैंने लगा दिया। दिमाग की दही छोड़ो, लस्सी बन गई है, तो लस्सी का मजा लो आप आराम से, कोई कोना पकड़कर रिलैक्स होकर बैठ जाओ। तो देखो भाई, 2027 तक 2027 तक मार्वल का धंधा एकदम सेट है। डूम्सडे और सीक्रेट वॉर जैसी मूवीज हमारे जैसे जाने कितने लोगों का पेट भरेंगी और जाने कितनों की फैंटेसीज को पूरा करेंगी, अगेन हमारे जैसे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है गाइस कि मार्वल ने सीक्रेट वॉर्स के आगे का 2027 के बाद का कोई सीन सोचा ही नहीं है। मार्वल कम से कम 10 से 12 से 15 साल आगे की प्लानिंग करके चलता है। आपको भी कई बार 10-10 15-15 साल पुरानी मूवीज से नई मूवीज के कनेक्शन देखने को मिलते होंगे। सो एनीवेज, सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल करेगा एक रीबूट, एंड यहाँ पर मैं क्लियर बता रहा हूँ, रीबूट नहीं, एक्चुअल में इट विल बी अ सॉफ्ट रीबूट जिसमें मेजोरिटी नई मूवीज नए शोज आएंगे, बट कुछ एक सुपर हीरोज जिनकी कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई है वो भी रिबूट के बाद मौजूद रहेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन अपना। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट है मार्वल के रिबूट को लेकर वो ये है गाइस कि मार्वल अपने नेक्स्ट फेज में, अपने नेक्स्ट सागा में एक सुपर नेचुरल फेज में जाने वाला है, एक काले जादू वाले फेज में जाने वाला है। देखो मार्वल में बहुत से हीरोज हैं, उनमें से बहुत की पावर्स प्योर ह्यूमन स्किल्स हैं और कुछ नहीं, लाइक हॉकआई और ब्लैक विडो, उनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, सिर्फ उनके स्किल्स हैं। उसके बाद बहुत सारे साइंस के अजूबे भी हैं, लाइक कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और हल्क। लेकिन इनके अलावा भी मार्वल में सुपर हीरोज का एक थर्ड टाइप भी है, विच इज प्योरली सुपर नेचुरल, जिसका साइंस और लॉजिक से उतना ही लेना देना है जितना नेता लोगों का सच से, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, घोस्ट राइडर, थॉर, ये सब बंदे आते हैं सुपर नेचुरल भूत पिशाच वाली कैटेगरी में। सो मार्वल का जो नेक्स्ट सागा आएगा सीक्रेट वॉर्स के बाद आफ्टर रिबूट, वो पूरी तरह से ऐसे ही कैरेक्टर्स पर फोकस्ड रहने वाला है, यानी रिबूट के बाद मार्वल विल गो फुल ऑन सुपर नेचुरल। अब इस टॉपिक पर मैंने जब और डीप रिसर्च करी तो एक बहुत कूल डिटेल निकल कर आई। आपने ध्यान दिया होगा ब्लेड रिबूट का काफी टाइम से पंगा चल रहा है कि अब रिलीज होगी, बट डिले होती चली जा रही है, साल दर साल ये और डिले हो रही है। और मून नाइट जैसे जो काफी हिट शोज हैं, ये भी फिलहाल इनका सीजन 2 वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहा है, बल्कि इनकी जगह तो मून नाइट जैसे जो एकदम सुपर डुपर हिट शोज हैं, जिनका मतलब हिट होना एकदम पहले से ही तय रहता है, उसका सीजन 2 क्यों नहीं आ रहा है, ब्लेड क्यों डिले होती चली जा रही है। इसका रीजन ये है गाइस कि मार्वल अपने नेक्स्ट फेज में जो सुपर नेचुरल हीरोज पर फोकस करेगा, उसमें जो सुपर नेचुरल हीरोज की मेन टीम होगी उसका लीडर बनाएगा ब्लेड को। अभी तो मार्वल के पास ऑलरेडी सारी मूवीज एंड शोज हैं, विजन का भी शो आ रहा है, आयरन आर्ट आ रही है, डॉक्टर स्ट्रेंज 3, स्पाइडरमैन 4, मे बी थॉर 5, और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बट ये जो सुपर नेचुरल हीरोज हैं मून नाइट, घोस्ट राइडर जैसे, इन्हें मार्वल अपने नेक्स्ट सागा के लिए सेव कर रहा है, और इसीलिए इनकी जो अनाउंस्ड मूवीज है, जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं, वो भी डिले होती चली जा रही हैं। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सुपर नेचुरल सागा में मार्वल लीडर बनाएगा ब्लेड को, यानी जैसे कैप्टन एवेंजर्स को लीड करते थे, वैसे ही नेक्स्ट सागा में हमारे हीरोज का मेन लीडर होगा ब्लेड। और देखा जाए तो भाई वो कैरेक्टर है ही इतना बैडएस कि लीडर बनना पूरी तरह से डिजर्व करता है, ना ही आयरन आर्ट की तरह उसके मुंह में बवासीर है और ना ही शी हल्क की तरह वो गेंद हिलाता है, जब बोलता है एकदम पॉइंट पर बोलता है और बाकी की बातचीत उसकी ब्लेड्स करती हैं। सो यस, नेक्स्ट सागा का लीडर भी ब्लेड ही होने वाला है, बिल्कुल कन्फर्म है। और वेज़ली स्नाइप्स का ब्लेड नहीं, नया ब्लेड जो आएगा रिबूट, यानी ब्लेड रिबूट। अब ब्लेड को लेकर मार्वल का ये कहना है कि वो अगले सागा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भाई, तो हम उसे लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, उसे हम ऐसे ही नहीं बिल्कुल रिलीज कर देंगे कि जब मूवी बन गई हमने रिलीज कर दी, क्योंकि अगर ब्लेड मूवी पिट गई तो भाई सोचो, एक नया सागा स्टार्ट हो रहा है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसकी पहली मूवी आए और वही पिट जाए, तो कहीं ना कहीं फिर ब्लेड का हाल भी जोनाथन मेजर्स के कैंग जैसा हो जाएगा। सो मार्वल ब्लेड को एक परफेक्ट टाइमिंग पर लाएगा, और तब लाएगा जब पूरे सिनेरियो में ब्लेड की मूवी एकदम फिट बैठे, यानी मूवी बन भी जाएगी तो भी मार्वल उसे और डिले करेगा, और ज्यादा परफेक्ट करेगा और पॉलिश करेगा, और उसे जब परफेक्ट टाइमिंग लगेगी तब वो उसे रिलीज करेगा। इसी वजह से ब्लेड रिबूट अनाउंस वगैरह सब हो चुकी है, लेकिन भाई वो डिले पर डिले होती जा रही है, रिलीज डेट्स आती हैं और वो डिले हो जाती है। तो इससे मतलब इसका जो रीजन है वो यही है कि मार्वल ब्लेड को एक परफेक्ट, बिल्कुल ही परफेक्ट टाइम पर रिलीज करेगा, क्योंकि ये उसके सुपर नेचुरल फेज की शुरुआत करेगी और लीडर रहेगा ब्लेड। हालांकि देखो, गलत मत समझना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी के हीरोज की स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी ही नहीं,
कुछ एक हीरो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वो आगे जाएंगे सीक्रेट वॉर्स के बाद भी कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि टॉम हॉलैंड का मार्वल के साथ 6 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्पाइडरमैन 4 के बाद भी वो अपना सीक्रेट वॉर्स के बाद स्पाइडरमैन 5, स्पाइडरमैन 6 और टीम अप प्रोजेक्ट्स में भाग लेते रहेंगे। लेकिन मेन जो एक फोकस होगा, अभी तक इन्फिनिटी सागा में और मल्टीवर्स सागा में मार्वल एकदम बैलेंस बनाकर चलता था, हर एक तरह के हीरो को, मतलब जितने भी हीरो हैं सबको स्पॉटलाइट में रखता था, एक बैलेंस बनाकर चलता था। लेकिन नेक्स्ट सागा में मेन जो फोकस रहेगा वो सुपर नेचुरल हीरोज पर ही होगा, यानी हमारे घोस्ट राइडर, ब्लेड और मून नाइट इनके जैसे हीरोज पर। इसके अलावा ये जो सुपर नेचुरल फेज होगा इसमें सारे हीरोज की पहले सोलो मूवीज आएंगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा इनका आपस में क्रॉस ओवर भी होता जाएगा, जो कि आगे जाकर किसी एक बहुत बड़े इवेंट में लीड करेगा, जैसे कि हमारे पिछले सागाज में हुआ है। तो ब्लेड के डिले होने का रीजन तो अब आप समझ ही गए होंगे, उसका रीजन यही कि अगर ब्लेड धोखे से भी पिट गई तो ऑडियंस का मन अगले पूरे के पूरे सागा से ही खट्टा हो जाएगा, जैसे कि कैंग का जो इंट्रो हुआ था क्वांटम मेनिया में, बाद में भले ही उसकी लोकी में और भी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो, लेकिन क्वांटम मेनिया में भाई उसकी जिस तरह से मतलब फजीहत कराई थी मार्वल ने, तो कहीं ना कहीं उसने उसकी जो हाइप थी वो डेवलप होने से पहले ही बिल्कुल बैठ गई। तो कुछ ऐसा ही कांड ब्लेड के साथ ना हो, मार्वल ये ऑलरेडी कैंग से सीख चुका है और अब वो ब्लेड को एकदम परफेक्ट पॉइंट पर ही रिलीज करेगा, चाहे फैंस कितना भी चिल्लाते रहे, और ये सही भी है। ब्लेड का इंट्रो मार्वल ऐसा करेगा भाई, जितना मुझे लगता है कि उसके डेब्यू के आगे केविल कुमार से लेकर फ्लेम ऑन सब फीके पड़ जाएं। और रही बात आयरन मैन और कैप्टन जैसे हीरोज की, तो फिलहाल तो आयरन मैन को लेकर ऑलरेडी बहुत सारी स्पेक्यूलेशन चल ही रही हैं। टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन आ सकता है, जिसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की इल्यूमिनाटी टीम की खाली कुर्सी के थ्रू टीज किया गया था, प्लस ऑब्वियसली अल्ट्रॉन बॉट्स भी थे वहां पर। सो हो सकता है मार्वल ने टॉम क्रूज के सुपीरियर आयरन मैन का सेटअप ऑलरेडी कर दिया हो, उसी पॉइंट पर सीक्रेट वॉर्स में हमें वो आता हुआ दिखाई भी दे जाए, हो सकता है ऐसा। इसके अलावा कम चांसेस हैं, बट चांसेस हैं कि आरडीजे खुद डबल रोल में आ जाए, ऑल्दो अगेन कम चांसेस हैं, बट ऑब्वियसली वो किसी अदर यूनिवर्स में भी एक दूसरे टोनी स्टार्क वेरिएंट के तौर पर एग्जिस्ट करते ही होंगे। और केविन फाइगी खुद ही बोल चुके हैं कि भाई एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, हम सभी ये जानते हैं कि कोई भी हीरो, कोई भी एक्टर किसी भी सुपर हीरो के फॉर्म में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आरडीजे का रिटर्न भी हो सकता है एज आयरन मैन। अब देखना यह है कि रूसो ब्रदर्स इन सब चीजों को कैसे प्ले आउट करते हैं, बट नेवर से नेवर चांसेस अभी भी हैं। इवन ये भी हो सकता है कि लाइव एक्शन मूवी चल रही हो सीक्रेट वॉर्स और उसके बीच में कार्टून मतलब एनिमेटेड कैरेक्टर्स आ जाए, जैसे माइल्स मोरालिस की मूवी में लाइव एक्शन मिसेस चेन आ गई थी, तो डेफिनेटली इसका उल्टा भी हो सकता है। तो अभी तक यहाँ इन्फिनिटी सागा एंड मल्टीवर्स सागा में हमें सारे टाइप के हीरोज का बैलेंस देखने को मिला, साइंस के नमूने प्लस जादू टोने वाले प्लस हमारे ह्यूमन स्किल्स वाले सब एक साथ। नेक्स्ट फेज में मार्वल का मेन फोकस रहेगा सिर्फ जादू टोने वाले यानी सुपर नेचुरल हीरोज पर। सो गाइस, मार्वल के नेक्स्ट फेज में आप किस सुपर हीरो को लीडर बनता हुआ देखना चाहोगे मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो पे अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि और भी नई नई अपडेट्स आ रही हैं, वीडियो बन रही है, बस तैयार होने वाली है। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।